पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी के साथ अब शुरू कर दिए गए हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पशुओं की सुरक्षा के लिए भी अब प्रयास लगातार जारी। पंजाब इस समय बाढ़ के कहर से गुजर रहा है। सरकार की ओर से बाढ़ के कहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य भी तेज कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए 12.5 लाख रुपये की ग्रांट जारी की है और इसके अलावा सभी जिलों में रैपिड रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया। सरकार की ओर से हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। इसके साथ ही हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं और ऑपरेशनल फोन नंबर भी जारी कर दिया गया है। मान सरकार के सुरक्षा इंतजाम। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए। साथ ही पटियाला में 12, रूपनगर में 11, मोगा में 7, लुधियाना में 3, एसएस नगर में 22, एसबीएस नगर में 2 रिलीफ कैंप ओपन किए गए। सिविल सर्जनों की तैनाती भी की गई है। जिले पहले से ही जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लार्वा नाशकों, व्यस्क नाशकों और पंपों की व्यवस्था पहले से है। 7,500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 33.50 करोड़ रुपए बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जारी किए गए। एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई, जिसमें मोहाली में 3, रूपनगर में 5, पटियाला में 2, जालंधर, फतेहगढ़, साहब, संगरूर और साथ ही एसबीएस नगर में 1-1 टीम तैनात है। एसडीआरएफ की 2 टीमें जालंधर, कपूरथला में तैनात हैं। इसके अलावा 3 और टीमों को अलर्ट पर रखा गया। इन टीमों की सहायता से अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अब तक फूड सप्लाई विभाग पूरे सूखे राशन के 10,000 पैकेट रूपनगर में, 3,500 पैकेट पटियाला में, 1,500 पैकेट एसएस नगर में, 800 पैकेट एसबीएस नगर में और 1,000 पैकेट श्री फतेहगढ़ साहिब में बांटे जा चुके हैं। डिमांड के हिसाब से जालंधर, मोहाली, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में भी भारी मात्रा में अब सूखे भोजन के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। मान सरकार पशुओं के बचाव के लिए भी प्रयास कर रही है। हर जिले में 50,000 रुपए की दवाई खरीद कर तहसील मुख्यालय के पशु चिकित्सालय को वितरित की गई। मान सरकार ने बाढ़ से लड़ने के लिए पूरी तैयारी अब कर ली है। कमर पूरी तरीके से कसी जा चुकी है। हर तरीके की संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कोशिश है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के साथ साथ जितना जल्दी हो सके सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा सके।